नहीं होगा। अभी 45 मजदूर हमारे फंसे हुए आपके सऊदी अरब में, क्यों बताइए? हमारे 45 लोग, हमको लगता है अगर उनको मैंने सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, चूंकि ये चर्चा का विषय हो चुका है, हम लोग भी इंटरफेयर कर चुके हैं, तो हमको लगता है पता ही क्या स्थिति होगी। देखिए, जीत जाएंगे तो सदन में गिर जाएंगे, जीत जाएंगे तो सदन में बरसेंगे, और हार जाएंगे तो जमीन में सड़क पर आंदोलन करेंगे। तो ध्यान में रखें कि एनडीए और एक इंडिया, उसके बीच हम लोग अपनी पहचान बनाएंगे, लेकिन जब हम लोग राज्य में आएंगे तो माहौल बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, और हमको लगता है हम लोग राज्य का जो विधानसभा है वहाँ 2-4 गो गेट और खिड़की हम लोग के लिए खुला मिलेगा, जहाँ हमारे नौजवान प्रवेश करेंगे और दहाड़ मारेंगे, और ऐसी दहाड़ मारेंगे कि रांची के साथ साथ पूरा राज्य और पूरे राज्य के साथ साथ पूरा देश सुनेगा। लेकिन जब इस आंदोलन में हम लोग आए, और खासकर मैं अपनी बात करूँ तो जो मैंने विचार अपना प्रकट किया राज्य के सामने, मीडिया के सामने, और इस विचार से लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि इस राज्य में बदलाव के रूप में हमें देखने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, जिस ग्राउंड में आज आप खड़े होकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा पैतृक ग्राउंड है, यहीं मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, और अपनी जो मेरी बैकग्राउंड है, जो मेरी पहचान इस ग्राउंड से है, तो कहीं ना कहीं ये इस नियति की मांग थी। ना किसी ने हमारे लिए प्लानिंग किया था, ना किसी ने मुझे बुलाया था, ना कोई इन्विटेशन था, मेरा वहाँ जाना, उस आंदोलन को लीड करना, ये नियति की मांग थी। अब मांग क्यों थी ना, कहीं ना कहीं आज बीते 23 सालों में देखे तो झारखंड की जो झारखंडियत आवाज़ होनी चाहिए, कि हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसा लीडर है जो अपनी स्थानीयता पर मुखर के बात करता है। तेलंगाना में तेलुगु को लेकर लोग कट्टर होकर बात करते हैं, तमिल में तमिल को लेकर कट्टर होकर बात करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी मानस को लेकर लोग कट्टर होकर बात करते हैं, लेकिन झारखंडी में जब झारखंड की बात करते हैं तो सब डरने लगते हैं। अपने ही राज्य में लोगों को डर लगता है कि हम कैसे बोलेंगे हम कट्टर झारखंडी हैं। बाकी किसी स्टेट में जाइए, उड़ीसा में जाइए तो कट्टर उड़िया की बात कोई बात करता है। तो कुल मिलाकर हमारे स्टेट में ही हमारे लोग डरे सहमे लगते हैं। अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में चले जाए या फिर किसी ऐसे संस्थान में चले जाए, वहाँ वे लोग अपनी भाषा में बात करने से भी परहेज करते थे। कल एक आदमी या हमारे कुछ मित्र मिले थे, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई, हम लोग एक मूवी देखने गए थे और वहाँ लोग मात्र अपनी भाषा में मतलब मूवी के बीच हालचाल ले रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि तो एक समय लोग संकोच कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जब हम लोग भाषा से आंदोलन लेकर आए तो धीरे धीरे हम लोग रोजगार की ओर बढ़े, नियोजन पर बढ़े, कंपनियों पर गए, फैक्ट्रियों पर गए, और कुल मिलाकर स्थानीयता पर गए, और अव्वल और जो झारखंड के मुद्दे थे उनके साथ हम लोग कनेक्ट होने लगे, करप्शन पर बात करने लगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मैंने मिनी रत्न है या महारत्न है, तमाम कंपनियों की जो गलत नीतियां हैं उनकी हम लोग आलोचना करने लगे, उनको लेकर लोगों को जागरूक करने लगे, जमीन अधिग्रहण के विषय पर हम लोग बात करने लगे, जल जमीन जंगल प्रदूषण हर चीज़ पर हम लोग खुलेआम विरोध करने लगे। तो कुल मिलाकर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं समय की मांग है, आज इन लड़कों का सपोर्ट करना चाहिए हमें, नहीं तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत पछतावा। क्योंकि चतरा से साथी आए हैं, और चतरा का ही एक कुछ दिन पहले शायद 37 या 38 सीटों पर शिक्षा विभाग की कुछ मामला चल रहा था जिसमें 90% बाहर के लोग, तो फिर राज्य क्यों मना यार, क्यों मना? हम विवाद नहीं चाहते, हमें किसी राज्य से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब चतरा का ही उदाहरण, जब 90% बाहर के लोग अगर आकर यहाँ काबिज हो जाएंगे तो फिर ये राज्य क्यों मना? क्या ये राज्य बंधुआ मजदूर बनेगा? क्या यहाँ के लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे? वह अन्य प्रदेशों में जाएंगे, अन्य देशों में जाएंगे और जाके अपना रोजी रोजगार करेंगे, और वहीं हमारे बगल में एशिया की नामी कोल कंपनियाँ, पिपरवार है, मगध आम्रपाली है, NTPC है, ऐसी अनगिनत कंपनियाँ यहाँ कार्यरत है, तो मतलब हम लोग बंधुआ मजदूर बनना है, यही तो हमारी नियति अपना के रखे हैं। अभी पलामू गढ़वा की बात करें तो वहाँ भी 92-95% यूपी के लोग आकर डाका डाल रहे हैं, हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार है, जो भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं। अरे भाई, ये तो मैंने एकदम मजाक बना के रख दिया है, तो उन्हीं चीज़ों पर हमने बात किया। हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है, सभी राज्यों के कुछ अपने राज्यवासी हैं जो राज्य उन्हें स्थानीयता प्रदान करता है, और पहला अधिकार उनका बनता है नौकरी चाकरी हर चीज़ में, वही बात हम झारखंड में झारखंडियों के लिए कर रहे हैं। तो जिस समय आप लड़ाई शुरू हुआ था उसके साथ ही धीरे धीरे आपके निकल गए या छोड़ दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी आंदोलन में लोग हवा हवाई नहीं है, आपको टिक कर रहना पड़ता है, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हमारे साथी या फिर जो भी है आंदोलन के लिए आए थे, तो हम लोग थोड़ी सोचे थे कि हम लोग आगे आ बढ़ेंगे, हम लोग सोचते भाषा आंदोलन है, सरकार अपनी फिर इस नियम को वापस लेगी, पर हम लोग फिर अपने जहाँ से आए तो वहाँ चले जाएंगे वापस। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, हम लोग कंपनी फैक्ट्री पर लगातार हड़तालें करने लगे, धरना करने लगे, दर्जन हम लोग को केस होने लगा। तो आसान नहीं है कि आप टिक कर रह पाएंगे, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी जो आपको कमजोर करेंगी, लोभ प्रलोभ के मामले आएंगे जो आपको लालच का रास्ता खोलेंगे, आपको टिक कर रहना है, आपको अडिग होकर रहना है, और ये चीज़ों पर सभी फोकस नहीं कर पाए, इसलिए उनका आवे निकल गए, बाकी जो लोग अडिग रहे वो अभी साथ हैं हमारे। पार्टी जैविक समिति है, इसे पार्टी का कब तक दर्जा मिलेगा? देखिए, इसके लिए हमारी एक टीम बनी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनसे जाकर इंटरव्यू ले सकते हैं।
हर चीज का टेंशन लेना पॉसिबल नहीं है। तो पार्टी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमने 5 सदस्यीय टीम गठन किया है, वे लोग इसकी जानकारी आपको देते हैं। झारखंड में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, अभी तक सही से लगता है कि 12 जिले या 13 जिले ही कवर हो पाए होंगे, तो पूरा झारखंड में आप चुनाव कैसे लड़ते हैं? देखिए, हम लोग एक विचारधारा के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर उस विचारधारा की बात कहें तो विचारधारा गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। आज जो हम आपके हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है, ये बहुत बड़ा यंत्र है। इसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये यंत्र का हम लोगों ने बखूबी पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर स्थिति में हम लोग रहेंगे। और ग्राउंड पर भी हमारा संगठन है, ग्राउंड पर हमारे लड़के जा रहे हैं, तो चर्चे कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, हर चीज़ सब ठीक ठाक हो रहा है। तो लोकसभा में पूरा 14 लोकसभा सीट में आप लड़ेंगे या फिर कुछ ही लोकसभा? देखिए, जहां हमारा कार्यकर्ता है, सीधी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी लोकसभा में मेरा अगर एक भी कार्यकर्ता है तो वही हमारा MP का कैंडिडेट होगा, लेकिन जहां हमारा कार्यकर्ता है हम लोग वहां लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर ये लोकसभा में कुछ सीटें आ जाती है JBKCS को या JBKCS पार्टी को, तो किसके तरफ झुका देखेंगे, UPA के तरफ या इंडिया का गठबंधन? देखिए, सबसे पहली बात, यदि लोकसभा में हमारी सीटें आती हैं तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे। राज्य जो हमारे राज्यवासी हैं, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे उनकी हम रायशुमारी ले सकते हैं, उनसे हम अपन रायशुमारी लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें विपक्ष में बैठना चाहिए या गवर्नमेंट में जो आके बन रही है उनके साथ जाना चाहिए, और नहीं तो फाइनली अगर आप विपक्ष में बैठेंगे जो राज्य के मुद्दे हैं उनको आप नेतृत्व करेंगे, जो राज्य के मुद्दे, ऐसा थोड़ी है कि जो सरकार बनाएगी वो मेरे विधानसभा क्षेत्र या मेरे लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं करेगी। आपका नेतृत्व करने वाला सही है, सरकार किसी की रहे, मैं अपनी योजनाओं को धरातल पर लेके आऊँगा, मैं अपने मुद्दों को संसद में परिचित करवाऊंगा और मैं अपने हक अधिकार के लिए लोगों के लिए लड़ूंगा। इसमें लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर झारखंड में कितना इफेक्ट है? देखिए, सबसे पहली बात है, झारखंड एक अलग परिदृश्य बना हुआ राज्य है, इसकी सांस्कृतिक भौगोलिक बनावट बाकी प्रदेशों से भिन्न है, तो अतः यहाँ जो फैक्टर रहेगा वो स्थानीयता फैक्टर रहेगा। यहाँ जो 23 सालों से झारखंड के लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है, हर आप किसी भी चले जाए, अगर आप टेंडर में जाएंगे या ठेकेदारी में जाएंगे तो वहाँ तो झारखंड के लोग मिलेंगे नहीं। कुछ दिन पहले आप पढ़े होंगे धनबाद या बोकारो का एक पेपर था, उसमें लिखा था कि 80% UP-Bihar के ठेकेदार गांव की सड़क बना रहे हैं। मतलब ये क्या दुर्भाग्य है यार, मुझे UP-Bihar से कोई शिकायत नहीं है, हमारा बड़ा भाई है। अगर हम देखने जाएंगे राज्यों की बनावट के अनुसार तो हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन ये क्या सिस्टम है यार, आप गांव की सड़क भी UP-Bihar के लोग ठेकेदारी में लेंगे, तो ये झारखंड क्या घास छिलने के लिए बना है? मैं साफ साफ कहूंगा, मुझे किसी बात का डर नहीं, मैं लॉजिकली बात रखता हूं। तो झारखंड का फैक्टर मोदी फैक्टर नहीं रहना चाहिए, झारखंड का फैक्टर होना चाहिए स्थानीयता, झारखंड का फैक्टर होना चाहिए। आज देख सकते हैं बड़का गांव की क्या स्थिति है, कड़कू का टाइप का माहौल है, जबरन जो लोगों की जमीनें ली जा रही है, अरे ठीक है, जमीन देने से कोई पीछे नहीं हटेगा, अगर वहां कोयला की खदानें हैं, कोयला है तो कोड़ी है ना, किसने मना किया है, लेकिन आप कम से कम बाजार दर के अनुसार उसको मुआवजा तय कीजिए, मैक्सिमम मुआवजा तय कीजिए, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख आप एक एक डिसमिल का मुआवजा दीजिए, ताकि वो आदमी विस्थापित होने के बाद किसी अन्य क्षेत्र में जाके अपना संतोषजनक एक छोटा सा मकान बनाने के लिए जमीन खरीद सके। अब आप मान के चलिए आप 2000-3000 रुपये डिसमिल लगाएंगे, उसके पास अगर 3 या 4 एकड़ जमीन होगा तो आप तो मैंने कोटी के भाव सारा जमीन ले लेंगे, उस पैसा को अगर वो हजारीबाग जमीन खरीदने जाएगा तो एक डिसमिल नहीं खरीद पाएगा। तो भाई आप लॉजिकली आप एक वाजिब रेट लगाइए, इसलिए झारखंड में ये फैक्टर नहीं होगा। अभी 45 मजदूर हमारे फंसे हुए आपके सऊदी अरब में, क्यों मोदी फैक्टर यहाँ होगा भाई? हमारे यहाँ 40% खनिज संपदा और हमारे 45 मजदूर फंसेंगे और आपको ताज्जुब होगा जानकर, वो का पानी पीते हैं। अभी हमारे दुबई के कुछ साथी हैं जो झारखंड के हैं, उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, हमने कहा कि आप वहाँ जाइए और उनसे मिलिए और बाकायदा आप क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प कीजिए। बताइए, हमारे 45 लोग, हमको लगता है अगर उनको मैंने सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, चूंकि ये चर्चा का विषय हो चुका है, हम लोग भी इंटरफेयर कर चुके हैं, तो हमको लगता है पता ही क्या स्थिति होगी। वो लोग 1 रुपया में 1 रोटी खरीद के लाते हैं, जो मोदी फैक्टर की बात राज्य में करते हैं। अरे भाई, मोदी हर जगह नहीं चलता है भाई, रोटी चलता है, 1 रुपया में 1 रोटी खरीद के लाते हैं और 2 आदमी खाते हैं। बताइए, अगर जो सुनेगा उसके भी आंख में आंसू आएगा और जो बयान को देगा उसके भी आंख में आंसू आएगा। जी नहीं, हमारे यहाँ फैक्टर रहेगा, जमीनें हमारी, अगर कंपनी फैक्ट्री लगती है रोजगार हमारा होना चाहिए, अधिग्रहण जमीनों का नियमावली तरीके से होना चाहिए, ये कोड़ी के भाव नहीं होना चाहिए। अभी एक व्यक्ति आया था, बोला मेरा 68 एकड़ जमीन कमिश्नर एक बिल्डर को रजिस्ट्री कर दिया है। 68 एकड़ जमीन, समझ रहे हैं, एक राजा का राजमहल खड़ा होगा 68 एकड़ जमीन में, 68 एकड़ जमीन। बताइए, वो इंसान हथियार उठाएगा कि नहीं, वो इंसान नक्सली बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। इसीलिए हमारे राज्य में फैक्टर होगा जो झारखंडियत की बात करेगा, जो झारखंड के हक हकूक की बात करेगा, जो झारखंड के लोगों की दबी आवाज जिसको कोई उठाना नहीं चाहता उसे सदन में उठाएगा, वही झारखंड में मुद्दा होगा। तो लोग ये कहते हैं कि राज्य में तो दूसरा पार्टी ठीक है, मगर देश में जो है कमल ही होना चाहिए, ऐसा बात? देखिए, ये लोगों की मानसिकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रोजी रोजगार भी होना चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जो होनी चाहिए।
आप देश को उलझा नहीं सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान करने से झारखंड के लोग क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ, अरे ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर सरकार में ही है तो ऐसा थोड़ी है। आप देखिए माननीय अमित शाह का बेटा, उनका 1600 करोड़ का संपत्ति बढ़ता है, वहीं एक आम व्यक्ति का एक उसको नौकरी नहीं लग सकता था। क्या आपके पास ये प्लानिंग नहीं है? ये केवल देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। बाकी जो अगर सत्ता में है और जो सरकार में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। अंग्रेज भी 200 साल सत्ता में, तो क्या अंग्रेज सही थे? नहीं। तो अगर जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, कुछ हार पार्टी हार जाती है, अच्छा परिणाम नहीं आता है, तो अगला विधानसभा में किस तरह से कमबैक? देखिए जीत जाएंगे तो सदन में गर जाएंगे, जीत जाएंगे तो सदन में बरसेंगे, और हार जाएंगे तो जमीन में सड़क पर आंदोलन करेंगे। तो विधानसभा में कैसे तैयारी रहेगी? विधानसभा की तैयारी लोकसभा की तुलना में बेहतर रहेगी, क्योंकि इसलिए आपका भी कहना सही है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं दो ही ध्यान में रहेगा, एक एनडीए और एक इंडिया, उसके बीच हम लोग अपनी पहचान बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग राज्य में आएंगे तो माहौल बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, और हमको लगता है हम लोग राज्य का जो विधानसभा है वहाँ दो चार गो गेट और खिड़की हम लोग के लिए खुला मिलेगा, जहाँ हमारे नौजवान प्रवेश करेंगे और दहाड़ मारेंगे, और ऐसी दहाड़ मारेंगे कि रांची के साथ साथ पूरा राज्य और पूरे राज्य के साथ साथ पूरा देश सुनेगा। तो अगर जो विधानसभा में अगर जो सीट हो जाती है मुख्यमंत्री बनने लायक, तो क्या मुद्दा क्या रहेगी? मेन मुद्दा देखिए, मेन मुद्दा स्थानीयता को परिभाषित करना होगा कि झारखंड के कौन होंगे। अब कल कोई आएगा वो झारखंडी कहलाएगा, ये उचित नहीं। 1947 से पहले हमारे बहुत सारे लोग असम गए हैं, आज तक वो असम ही नहीं कहला पाए, या फिर हमारे बहुत सारे 20 लाख वर्कर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में कार्य करते हैं, आज तक वो उस राज्य के स्थानीय निवासी नहीं हो पाए हैं। तो स्थानीय निवासी होने के जो क्राइटेरिया है उस पर सबसे पहली नीति बनेगी, और उसके बाद मैं चूँकि झारखंड को मैं अपनी नज़रों से मैंने 2 साल में देखा, यहाँ जमीन विवाद सबसे मैंने भयानक और भयंकर विवाद है, उसका समाधान करना होगा। आपके आप जब भी फोटो अधिकतर लगा हुआ रहता है तो आपने संविधान लेके फोटो खिंचाते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य? देखिए मेरा मानना है कि सबसे इंसान को मानते हैं, सबसे पहला प्रयास शांतिपूर्ण करना चाहिए, और शांति यानी संविधान का रास्ता है। और जब नहीं बात माने तो जानते हैं झारखंड का रास्ता विद्रोह का भी है, झारखंड का रास्ता उलगुलान का भी है। लेकिन चूंकि एक पढ़ा लिखा छात्र होने के नाते मेरा मानना है पहला हल हमें संविधान से और भारत के संविधान के पन्नों से खोजना चाहिए। मतलब जब भाषण देते हैं तब तो फिर वही संविधान की कुछ जो बातें हैं उसको भूल जाते हैं? देखिए स्वाभाविक है, मेरी जो आयु है उसमें थोड़ी सी आक्रामकता का होना स्वाभाविक है, मेरी जो आयु है उसमें थोड़ी सी उग्रता का होना स्वाभाविक है, और मेरे हिसाब से जो भी आंदोलनकारी या क्रांतिकारी जो भारत के लिए या फिर राज्य के लिए नेतृत्व किए हैं, कहीं ना कहीं अगर मेरी उम्र में होंगे तो मेरी तरह आक्रामक और उग्र भी होंगे, तो मैं भी उनकी तरह हूँ। उदाहरण के लिए अगर कोई अभी मुझसे पूछे कि भगत सिंह और गांधी में आप किसको पसंद करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अभी हम भगत सिंह की उम्र में तो हम भगत सिंह को पसंद करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी को पसंद नहीं करते हैं। जब गांधी की उम्र में जाएंगे तो हम गांधी को बेहतर समझेंगे, तो फिलहाल हम लोग भगत सिंह की उम्र में हैं। तो उग्रता आक्रामकता ये थोड़ा सा हमारे विचारों में हमारे व्यवहारों में झलकेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आक्रामकता को पूरी तरह से पसंद करेंगे। मेरा एक सवाल है, रुकिए ना अभी, एक मिनट मेरा सवाल है। कल जाके आपका कोई कैंडिडेट विधायक बनता है, अगर उसका बेटा रहेगा तो कल जाके वो विधायक बनेगा? देखिए ठीक है, देखिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे, अगर संभव तो, ये तो खैर कागजों में ये नियम नहीं बनता है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोग तो ये भी प्रयास करेंगे कि 15 साल में किसी के लिए, जो जिस तरह अमेरिका में आपका कोई व्यक्ति 2 ही टर्म रह सकता है, हम लोग 3 टर्म तक ही रखेंगे। दूसरा बात, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उससे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, उसका अगला जनरेशन देखा जाएगा कोई काबिल होगा तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ा सा लगेगी कि नहीं हंसी मजाक की चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई इसमें होना चाहिए काम। सही बात है, नहीं तो फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये चीज़ होना चाहिए कि भाई अगर आप विधायक हैं तो ये एक रोल बनना चाहिए कि विधायक के ब्लड रिलेशन में जो निजी होगा अगले जनरेशन में टिकट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें हालांकि थोड़ा सा लगे हंसी मजाक की चीज़ें, लेकिन इन पर काम होना चाहिए। जयराम तो जब झारखंड से बाहर जाते हैं तो जींस पैंट और जूता पहन के जाते हैं, झारखंड में ही आते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं सहारा वाले पीड़ित से, तो फिर खाली पैर चल जाते हैं, इसका क्या है? देखिए सबसे देखिए एक बात है, जब हम झारखंड से बाहर जाते हैं तो इसका मतलब है कि जब बाहर के लोग भी मुझे देखना चाहते हैं, तो जब बाहर के लोगों से, बाहर के लोग या अपनी बहुत बड़े लोग, बहुत कॉरपोरेट वर्ग के लोग, तो मतलब हाई प्रोफेशनल लोग, तो उनके साथ जब हम जाएंगे तो एक बेहतर माने अपने आप को भी उनकी तरह बेहतर बना के रखेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। भले हमारे झारखंड के लोग हमारे राज्य में इतने संसाधन के बाद भी हम लोग डाउन टू रहते हैं, लेकिन हम आपसे कम नहीं है। लेकिन जब झारखंड की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, ये हमारी मिट्टी है, मेरा गांव है, मेरा खेत है, या मेरा खलिहान है, या मेरे बाग बगीचे हैं, यहाँ से हमारा जुड़ाव है, यहाँ से हमारी मोहब्बत है, तो जाहिर सी बात है इससे हमारी मोहब्बत है, और ये मेरा नेचुरल कैरेक्टर है, हम क्या स्पोर्ट पर्सन है। खाली पैर में फिर जाते हैं मिलने के लिए, उसमें दिखता है कि जयराम महतो खाली पैर में आते हैं? एक्चुअली देखिए खाली पैर इसलिए आते हैं कि मेरा जो शुरू से नेचर रही है, आंदोलन तो 2 साल का है ना भैया, मेरा जीवन तो आज लगभग 28-29 साल का हो गया है, तो हम लोग जमीन से जुड़े हमेशा रहे हैं, स्पोर्ट पर्सन रहे हैं, उछल कूद हम लोग का काम रहा है। धन्यवाद।